हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शरद चौहान और आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे हम एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कन्वर्ट करते हैं और कैसे उसी बाइनरी नंबर को वापस हम डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, काफ़ी टाइम से आप लोगों की साइट से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर, ये बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी का कन्वर्जन हमें सीखना है, तो आप इसकी एक अलग से क्लास बना दीजिएगा। तो आज की इस क्लास में ये कन्वर्जन हम डिटेल में सीखेंगे और विद एग्जांपल्स इसको हम सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया सीख लेते हैं और ऐसा सीखते हैं कि जो आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है कन्वर्जन फ्रॉम डेसिमल नंबर टू बाइनरी नंबर। इसमें मैं आपको दो टाइप सिखाऊंगा, नंबर वन, नंबर टू। एक है कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी नंबर टू डेसिमल नंबर, और यहाँ भी दो टाइप सिखाऊंगा, नंबर थ्री, नंबर फोर। तो इस टॉपिक में टोटल हमारे चार टाइप हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4। देखते हैं टाइप वन में क्या है। देखिए, टाइप वन में सपोज आपको नंबर मिलता है 19 और ये डेसिमल नंबर है, इसको कहा जाता है कि आप कन्वर्ट करके बाइनरी में लिखिए। बाइनरी का बेस आप जानते हैं 2 होता है। ये हो गया आपका टाइप वन। टाइप टू में क्या है, टाइप टू अगर आपको बताया जाए, टाइप टू में सपोज कर लीजिए कि आपको नंबर दिया जाता है 1011 और ये बाइनरी में है और इसको वापस कन्वर्ट करना है हमें डेसिमल में। ओके, टाइप थ्री की अगर बात करें तो टाइप थ्री में सपोज कर लीजिए कि हमें दशमलव में संख्या मिलती है, जैसे हमें नंबर मिला 17.65 और ये हमें डेसिमल में मिला हुआ है, इसे हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। और टाइप फोर भी यहाँ देख लेते हैं। टाइप फोर में सपोज कर लीजिए नंबर है 110.101 और ये बाइनरी में है, इसे कन्वर्ट करके आपको डेसिमल में लिखना है। तो इस तरह से देखिए आपके चार टाइप हो जाते हैं, नंबर 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले देखिए गाइज, हम बात करेंगे टाइप नंबर वन और टाइप नंबर टू की। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन के तौर पर देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर डेसिमल में जो हमारी डिजिट होती हैं, जो अंक होते हैं, वो यहाँ लिख लेता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये आपके डेसिमल डिजिट होती हैं, जो अंक होते हैं दशमलव वाले। और अगर हम इन्हीं नंबर्स को बाइनरी सिस्टम में लिखना चाहें तो अभी मैं देखिए आपके लिए डायरेक्ट लिख देता हूँ, इन सभी के जो रिजल्ट होते हैं बाइनरी में क्या होते हैं, क्योंकि कम से कम आप 0 से 9 तक के लिए तो बाइनरी कन्वर्जन याद भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 0 का आपका कन्वर्जन 0 ही हो जाएगा, बाइनरी में इसको 0 ही लिखते हैं, 1 को 1 ही लिखते हैं, 2 को आप लिखते हो 10, 3 को आप लिखोगे 11, 4 को आप लिखते हो देखिए 100, 5 को आप लिखते हो 101, 6 को आप लिखते हो 110, 7 को आप लिखते हो 111, 8 को आप लिखते हो 1000, ऐसे आ जाएगा 100, और उसके बाद 9 का कन्वर्जन जो आपका बनता है वो बनता है 1001। लेकिन अगर आप 0 से लेकर 9 तक अगर आपने इसको याद भी कर लिया, इसको याद रख भी लिया, तो भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि एग्जाम में तो इससे ऊपर के संख्या भी आपको मिलेंगे, उसके ऊपर के नंबर्स भी आपको मिलेंगे, तब आप क्या करोगे। तो उसके लिए आपको एक मेथड सीखना होगा और वही मेथड आज इस क्लास में हम सीखने वाले हैं, ठीक है। और मेथड हम दोनों तरफ से सीखेंगे, हम डेसिमल से बाइनरी भी सीखेंगे और बाइनरी से डेसिमल भी सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे हम किसी नंबर को टाइप वन के अकॉर्डिंग डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, एग्जाम्पल नंबर वन मैं आपके लिए लूंगा, और एग्जाम्पल वन हम ले रहे हैं सिंगल डिजिट में, मान लीजिए 5 है, जिसका बेस आपका 10 है, मतलब डेसिमल में है ये, और इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है और कैसे हम इसको कन्वर्ट करेंगे। तो 5 मैंने यहाँ पर लिख लिया है, क्योंकि हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो बाइनरी का बेस 2 होता है, क्योंकि देखिए डेसिमल का बेस 10 क्यों होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि डेसिमल में अभी अभी मैंने आपको डिजिट लिख के दिखाई थी, टोटल 10 डिजिट थी, ठीक है ना। और बाइनरी का बेस 2 क्यों होता है, क्योंकि उसमें 2 ही डिजिट होती है, 0 और 1। डेसिमल में आपकी डिजिट जो मैंने आपको दिखाई 0 से लेकर 9 तक, टोटल 10 डिजिट, और यहाँ पे बाइनरी में 2 ही डिजिट होती हैं, जो कि 0 और 1 होती है। तो देखिए, कन्वर्ट करने का मेथड हम सीख लेते हैं। किसी भी नंबर को जब डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, उसे आप 2 से डिवाइड करना स्टार्ट कीजिए। तो मान लीजिए मैंने डिवाइड किया 2, 2 जा 4, तो यहाँ रिमाइंडर जो बचेगा वो 1 बचेगा, वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद फिर से मैंने 2 से डिवाइड किया, इस बार ये 2, 1 जा 2 चला गया और रिमाइंडर यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब 0 आ गया।
उसके बाद 2 से जब 1 को डिवाइड करोगे तो 2 से 1 तो आएगा नहीं, तो इसलिए मैं 0 टाइम कर देता हूँ, उसको मल्टीप्लाई 2 0 0 ही रह जाएगा, रिमाइंडर फिर भी आपका जो है 1 बच जाएगा, रिमाइंडर मतलब कि शेषफल। तो आपका शेषफल जो बचा वो ये बच गया, तो ये तीनों रिमाइंडर्स आपके बचे हुए, तीनों शेषफल है। अब आप इसमें क्या कीजिएगा, इसका रिवर्स ऑर्डर लगा दीजिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है। तो जब नीचे से ऊपर की तरफ आप इसको करोगे तो आपका ये बन जाएगा, देखिए 101, और यही आपका बाइनरी में इसका कन्वर्जन हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 1 ये आपका कंप्लीट हो गया। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में लेके दिखाता हूँ आपको, उसको भी कंप्लीट करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है आपके लिए, और इस बार मैंने नंबर ले लिया सपोज 19, जिसका बेस 10 है, और आपको बाइनरी में कन्वर्ट करके बताना है कि क्या आएगा, ठीक है। तो सेम स्टेप हमें फॉलो करने हैं। 19 मैंने यहाँ लिखा, 2 से हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, तो ये चला गया देखिए 2 9 18, रिमाइंडर बच गया आपका 1। उसके बाद मैंने इसको फिर से 2 से डिवाइड किया, ये बन गया 2 4 8, रिमाइंडर आपका बन गया फिर से 1, शेषफल आपका 1 बच गया। फिर से आप डिवाइड करोगे 2 2 4, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा मतलब 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 1 2, रिमाइंडर आपका फिर से 0, और फिर से आप 2 से जब डिवाइड करोगे तो इस बार 0 टाइम जाएगा ये, और रिमाइंडर आपका 1 बच जाएगा, मतलब शेषफल ये हो गया। और ऑर्डर क्या रखना है आपको, ऑर्डर रखना है रिवर्स, नीचे से ऊपर की तरफ। तो क्या बनता है बताइए, ये बन गया आपका 10011, और बेस आपका इसका 2 होता है क्योंकि ये बाइनरी में कन्वर्ट आपने किया है। तो 2 एग्जाम्पल मैंने ले लिए हैं, चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ये आपका देखिए सिंगल डिजिट का एग्जाम्पल था, ये 2 डिजिट का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए कोई 3 डिजिट का एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको दिखाता हूँ, उसके लिए चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। और एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने सपोज कर लीजिए नंबर ले लिया है 110, बट ध्यान रहिए डेसिमल का 110 है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ 110 लिख दिया मैंने तो ये बाइनरी होगा, ठीक है। 110 भी तो होता है डेसिमल में भी आपका, इसको आप कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, यानी कि बेस उसका 2 बनाना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो स्टेप मैंने आपको सिखा दिए हैं, अब आपकी प्रैक्टिस चल रही है, बस ये थोड़ा सा देखते हैं 2 से इसको जल्दी से डिवाइड करते हैं। तो ये जाएगा देखिए 55 टाइम चला जाएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा आपका, 0 हो जाएगा सबसे पहला रिमाइंडर। उसके बाद आप 2 से इसे डिवाइड करोगे, ये 27 बार जाएगा, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, यानी कि शेषफल 1 बचेगा। उसके बाद 2 से डिवाइड करोगे, 13 बार जाएगा ये, और शेषफल आपका 1 बचेगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे, इस बार 6 टाइम जाएगा, 2 6 12, और शेषफल आपका फिर से 1 बच गया। फिर से 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 6 गया है, रिमाइंडर आपका देखिए 0 बचा है। उसके बाद आप फिर से 2 से डिवाइड करोगे, 2 1 2, इस बार रिमाइंडर 1 बचेगा, और 2 से 0 बार जाएगा तो रिमाइंडर फिर से 1 बच जाएगा। ऑर्डर का ध्यान रखिएगा, ऑर्डर हमेशा रिवर्स ऑर्डर, नीचे से ऊपर की तरफ ले जाना है। तो बताइए इसका कन्वर्जन होकर के जब ये बाइनरी में बन गया तो अब ये क्या बन गया, तो ये बना 110110, और बेस इसका 2 हो गया है। ये आपका देखिए डेसिमल में था 110, और बाइनरी में बन गया है 110110, ये है आपका बाइनरी कन्वर्जन। चलिए एक और एग्जांपल इसी पेज पर, क्योंकि स्पेस भी बचा हुआ है, इसी के लिए फिर से देख लेते हैं। अभी हमारा टाइप 1 चल रहा है, जब हम डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं, और ये विदाउट दशमलव संख्या है, यहाँ दशमलव की संख्या नहीं है अभी, ठीक है, दशमलव बिंदु इसमें हमने अभी नहीं लिया है। उसके लिए हमारा टाइप नंबर 3 और टाइप नंबर 4 होगा, फिलहाल हमारा टाइप 1 का एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। तो इस बार देखिए मैं एग्जाम्पल आपके लिए ले रहा हूँ 253, ये है आपका डेसिमल में है, इसे बाइनरी में कन्वर्ट करके आप बताएंगे। तो चलिए देखते हैं जल्दी से, 253 है, सबसे पहले 2 से मैंने इसको डिवाइड कर देना है। जैसे ही मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर देखिए 126 आ जाएगा, और एक रिमाइंडर आपका यहाँ पे बच जाएगा, यानी कि एक शेषफल हो जाएगा। फिर से 2 से आप डिवाइड करोगे, 2 6 12, 2 3 6, इस बार रिमाइंडर आपका कुछ भी नहीं बचा मतलब 0। उसके बाद नीचे आ जाओ, फिर से 2 से आप डिवाइड करोगे तो 2 3 6, 2 1 2, यहाँ पर इस बार रिमाइंडर बच गया है 1। फिर से 2 से डिवाइड करो, इस बार 15 आ जाएगा, और रिमाइंडर आपका फिर से 1 बच जाएगा। फिर से 2 से डिवाइड करोगे, यहाँ 7 आ जाएगा, 2 7 14, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा। फिर से 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 6, रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, 2 1 2, और रिमाइंडर आपका जो है 1 बचेगा। फिर 2 से 0 बार जाएगा, रिमाइंडर फिर से 1 बचेगा। तो ऑर्डर कौन सा लगाओगे, ऑर्डर लगाओगे रिवर्स ऑर्डर। तो जल्दी से मुझे बताओ क्या बनेगा, इसको हम लिख देंगे ऐसे रिवर्स में, तो 1 1 1 1, काउंट कर लो कितना टाइम है, 1 2 3 4 5 6, तो 3 टाइम मैंने लिख दिया, 4 5 6, ऐसे हो गया। उसके बाद आपका 0, उसके बाद 1, ये आपका बन गया बाइनरी में। जो नंबर पहले आपका डेसिमल में देखिए 253 दिख रहा था, अभी बाइनरी में आ गया तो वो बन गया है 1 1 1 1 1 1 0 1,
ये आपका रिजल्ट हो गया। तो हमारा टाइप वन देखिए यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब बात करेंगे टाइप टू की। जब हम इस नंबर को रिवर्स में लेकर आएंगे, मतलब कि जैसे ये नंबर यहाँ लिखा हुआ है बाइनरी में, इसको हम वापस 253 तक कैसे पहुंचाते हैं ये हम सीखेंगे। और जैसे ये नंबर यहाँ बाइनरी में लिखा है तो इसको 110 तक कैसे ले जाना है। इससे पहले हमने एग्जांपल नंबर 1 और जो 2 किया था, जिसमें हमने 19 और 5 को कन्वर्ट किया था डेसिमल से बाइनरी में, तो उनको वापस हम सीखेंगे कि कैसे उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको दे रहा हूँ, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि टाइप वन के ये दो क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लिख रहा हूँ, इनका जब आप डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन कर लोगे तो क्या बन जाएगा। मतलब आपको बताना है कि बाइनरी में ये क्या लिखा जाएगा। ठीक है, एक और लिख देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है मैंने 99 और ये डेसिमल में है, आप बताइए कि बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद ये नंबर कैसा दिखेगा। चलिए दोस्तों टाइप नंबर 2 का एग्जांपल नंबर 1 लेते हैं, और वही लेंगे सबसे पहले। तो जैसे हमने 5 को कन्वर्ट करके क्या बना लिया था, उसका बनाया था हमने 101। तो 101 अगर मैं यहाँ लिखता हूँ बाइनरी में तो रिजल्ट आपको लाके दिखाना है, और आपको पहले ही मैंने बता दिया कि 5 आएगा, बट कैसे आएगा वो हमें सीखना है। देखिए कैसे, मान लीजिए मैंने 1 यहाँ लिखा, 0 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा। आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस के साइन लगा देंगे, मतलब मल्टीप्लाई के लिए, और यहाँ पर बेस लिख लेंगे 2। उसके बाद आपको करना क्या है, इधर से यानी कि उल्टा, फिर से वही रिवर्स ऑर्डर का ध्यान रखेंगे आप, इसकी पावर में यहाँ 0 लिखना है, यहाँ 1 लिखना है, यहाँ 2 लिखना है, और जितनी भी डिजिट आपके पास यहाँ पर है ऐसे आपको आगे बढ़ते चले जाना है इधर को। अगर मान लीजिए और आपके पास डिजिट है तो आगे आ जाएगा 2 की पावर 3, उसके बाद 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, ऐसे आप बढ़ते चले जाओगे। ठीक है, फिलहाल तो आपके पास 3 डिजिट थी, तो स्टार्टिंग आपको 0 से करनी है, इतना ध्यान रखिएगा। मतलब यहाँ पर हम होल नंबर्स ले रहे हैं, हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या, 0 से शुरू करना है, फिर 1, 2, 3, 4 ऐसे आगे एंड सो ऑन। ओके, तो अभी बस क्या करना है, देखिए इसकी प्रोडक्ट करके जो रिजल्ट आपका बनेगा वो आप यहाँ नीचे लिखने वाले हैं। ठीक है, तो 2 की पावर 2 से 4 बनेगा, 4 1 जा 4 हो जाएगा, मैंने यहाँ लिख लिया। उसके बाद यहाँ प्लस का साइन लगाना है, 2 की पावर 1 आपका क्या बनेगा, ये 2 बन जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होते ही 0 बन जाएगा। तो ऐसे आपने देखिए इसका भी प्रोडक्ट कर लिया, और ऐसे ही आपको इनका भी प्रोडक्ट कर लेना है। तो कैसे करेंगे, प्लस लगाइए, 2 की पावर 0 से 1 बनेगा, और 1 × 1 ये 1 बन जाएगा। कुल मिलाकर के देखिए रिजल्ट आपका मिल गया ना आपको 5, तो ये 5 बन गया है। इसका बेस क्या है, इसका 10 है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है, ये आपका बाइनरी था। ओके, चलिए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपके लिए लेता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने 110 लिखा, अब इस बार ध्यान रखिएगा ये 110 नहीं है, ये 110 है, क्योंकि इसका बेस हमने 2 लिखा, ये बाइनरी में है। जब क्वेश्चन आता है तो वहां क्लियरली लिखा होता है कि ये बाइनरी नंबर है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करके बताइए, और 4 ऑप्शन आपके पास होती है, आपको उसमें सेलेक्ट करना है, बस सिंपल है। चलिए, तो जो तरीका मैंने आपको यहाँ सिखाया है वही हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या लिखना है, यहाँ 1 लिखना है 0 लिखना है। ओके, ऐसे लिख लिया। उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या बनेगा। सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्रॉस के साइन लगा लेंगे ऐसे, उसके बाद यहाँ लिखेंगे 2, और 0 जो पावर है यहाँ आ जाएगी, 1 पावर यहाँ आ जाएगी, 2 यहाँ आ जाएगी। जल्दी से प्रोडक्ट करिए तो ये बनेगा देखिए 4, प्लस यहाँ पे आपका बनेगा देखिए 2, और प्लस यहाँ पे आपका बन जाएगा 0। तो रिजल्ट इस बार क्या आ गया, 6 आ गया, और इसका बेस 10 है, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है। एग्जांपल नंबर 2 था आपका ये, ठीक है ना। अब देखते हैं और एक एग्जांपल इसके बाद। ये देखिए दोस्तों एग्जांपल नंबर 3 मैं आपके लिए ले रहा हूँ टाइप 2 का, जिसमें कि हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन सीख रहे हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने ले लिया है 10011, बेस इसका 2 है, बाइनरी है, इसे हमें डेसिमल में कन्वर्ट करके बताना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा 100, यहाँ 1, क्रॉस के साइन में ऐसे लगाने वाला हूँ, उसके बाद यहाँ पर लिखने वाला हूँ 2, 2, 2, 2, 2, और इसका जो पावर है वो यहाँ से स्टार्ट करना है 0, 1, 2, 3, 4। ओके, अब यहाँ नीचे आ जाइए, ये बनेगा देखिए आपका 16, यहाँ पर आपका बन जाएगा देखिए 0, यहाँ पर बन जाएगा ये फिर से 0, प्लस यहाँ बन जाएगा आपका 2, और यहाँ आपका बन जाएगा ये 1। जब आप मल्टीप्लाई करके रिजल्ट ये आपको मिल जाएंगे, उसके बाद आप इनको ऐड करेंगे, और ऐड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 16 प्लस 2 आपका हो जाएगा 18, और 18 प्लस 1 ये मिल जाएगा आपको 19। तो ऐसे ये नंबर देखिए वापस अपना 19 आ गया डेसिमल में, ठीक है ना। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। इस बार मैं नंबर आपके लिए लेता हूँ 110,
1110, ये है आपका बाइनरी में नंबर। और अभी देखते हैं कन्वर्ट करके वापस हमें क्या मिलता है जब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने क्या किया, 1 लिख लिया 0, 1110, क्रॉस के साइन यहाँ लगाने हैं मुझे मल्टीप्लाई करने के लिए। और उसके नीचे आपको एक एक करके सबके नीचे क्या लिखना है, 2 लिखना है। और रिवर्स ऑर्डर में इनकी पावर लगानी है, यहाँ से 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5 एंड 6। अब देखते हैं क्या क्या बनता है। तो 2 की पावर 6 से देखिए बनेगा आपका 64 × 1, कुल मिला करके 64, प्लस यहाँ 2 की पावर 5 मतलब 32, ऊपर 1 ही है, 1 की प्रोडक्ट से यही रहेगा, प्लस यहाँ जब ऊपर 0 है तो नीचे जो भी बनेगा बनेगा तो वो फाइनली 0 ही, प्लस यहाँ आ जाइए 2 की पावर 3 मतलब 8, यहाँ आ जाइए ये बनेगा 4, यहाँ पर आ जाएंगे ये बनेगा आपका 2, और नेक्स्ट आपका ये बन जाएगा देखिए फिर से आपका 0। अब आप इसको जब ऐड करेंगे तो 64 प्लस 32 ये बन रहा है आपका 96, प्लस 8 तो हो जाएगा 104, और इसमें 4 जोड़ देंगे 108 और 2 110। तो ये जो 110 आया ये अब आपका डेसिमल में आया है, इसका बेस 10 है। तो कैसे, देखिए बाइनरी नंबर को आपने एक डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर दिया है। ओके, चलिए एक और फाइनली एक एग्जांपल और लेते हैं, वही एग्जांपल लेंगे जो आपने पहले 253 लिया था और 253 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया था। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, अब बाइनरी से वापस उसको 253 बनाकर देखते हैं। तो देखिए दोस्तों ये आपका टाइप नंबर 2 का एग्जांपल नंबर 5 हो जाएगा। तो मैंने देखिए आपके लिए यहाँ पर नंबर लिख दिया 1111, ऐसे 6 बार लिखा और उसके बाद यहाँ पर 01, ये आपका बाइनरी में है। अब आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, डेसिमल में। रिजल्ट मैंने आपको पहले ही बता दिया 253 ही आना चाहिए, कैसे आएगा देखते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखना है 1111, उसके बाद 01, उसके बाद आप यहाँ मल्टीप्लाई के साइन लगा लेंगे इस तरह से, प्रोडक्ट के सिंबल आप यहाँ यूज करेंगे, और नीचे आपको लिखना है 2, एक एक करके सभी के नीचे आप 2 लिखते जाइए। बस आपको रिवर्स ऑर्डर में क्या करना है, यहाँ पर पूर्ण संख्याएं यूज करनी है इनकी पावर्स में, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब देखते हैं क्या क्या बनता है। तो 2 की पावर 7 जब आप करोगे ये 128 बन जाएगा, ऊपर तो 1 की प्रोडक्ट होनी है तो एज इट इज 128 ही आ जाएगा, प्लस यहाँ आपका बन जाएगा देखिए 64, यहाँ बन जाएगा आपका 32, प्लस ऐसे बढ़ते जाओ आगे, यहाँ रहेगा आपका 16, यहाँ रहेगा आपका 8, यहाँ रहेगा आपका 4। यहाँ पर ध्यान से करिएगा, देखिए ऊपर 0 होता है तो इसका ध्यान रखा कीजिए, ठीक है, तो ये 0 ही आ जाएगा, और 2 की पावर 0 से ये आपका 1 बनेगा, 1 × 1 ये फिर से 1 आ जाएगा। और जब आप इन सबको ऐड कर लेंगे तो ऐड करके आप चेक कर लीजिए 253 ही आपका आ रहा है, और क्योंकि हमने बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट किया है तो इस 253 का जो बेस होगा वो क्या होगा, बेस होगा इसका 10। तो देखिए दोस्तों आज के इस क्लास में हमने टाइप नंबर 1 यानी के डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखा है, और फिर टाइप नंबर 2 में बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना भी सीख लिया है, और लगभग 4-4 या 5-5 एग्जांपल भी हमने यहाँ पर देख लिए हैं। तो आई होप कि आपको कोई भी डाउट अब इसमें नहीं रहा होगा। बट जो आपका टाइप नंबर 3 है और टाइप नंबर 4 है तो वहां की जो बात हम करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कि इसके लिए हम पार्ट 2 बना देंगे, और पार्ट 2 में हम जो है क्या करेंगे, वहां पर हम दशमलव वाली संख्याओं का कन्वर्जन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 17.82, तो मान लीजिए ये डेसिमल में है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर टाइप नंबर 4 में मैंने यहाँ पर लिखा 101.11 और ये बाइनरी में है, इसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखोगे, क्योंकि एग्जाम में देखिए दशमलव संख्या के साथ भी आ सकता है, दशमलव बिंदु के साथ भी, और विदाउट दशमलव तो हमने यहाँ पे सीख ही लिया है। तो देखिए दोस्तों जैसे हमने होमवर्क में आपको 2 क्वेश्चन दिए थे अभी टाइप 1 के लिए, वैसे ही मैं यहाँ पर टाइप 2 के लिए भी 2 क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि इन दोनों को जब आप बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे तो उनका रिजल्ट क्या हो जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया है 1101, आप इसको कन्वर्ट करके बताइए कि ये डेसिमल में क्या बनेगा, और एक नंबर मैंने आपके लिए यहाँ लिख दिया है 10111, और आप मुझे कन्वर्ट करके बताएंगे कि ये नंबर जब बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा
तो ये कैसा दिखेगा। सो आई होप गाइज कि आज की क्लास को आपने बहुत इंजॉय किया होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी कंपटीशन में यानी कि लगभग हर कंपटीशन में ये सिलेबस में होता ही होता है, तो आपको इसको तैयार कर लेना चाहिए। अभी आज के इस पार्ट वन में हमने टाइप वन टाइप टू सीख लिया है और आने वाले पार्ट टू में हम टाइप थ्री और टाइप फोर यानी कि दशमलव बिंदु के साथ बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्जन हम सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, सी यू अगेन।